कल रात को मजिस्ट्रेट के पास जाकर कागजी कार्रवाई करने के बाद, रिहा होने के बाद तेजिंदर पाल बग्गा करीब 1:15 बजे अपने घर पहुंचे और इस वक्त वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तेजिंदर पाल बग्गा जी, आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, इसमें जो लीगली है उसके लिए मैं अपने वकीलों से बात करूंगा और जो हमारी राजनीतिक लड़ाई है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके जो भी हमारी लड़ाई होगी वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि FIR करके हमें डरा सकते हैं, गिरफ्तारियां करके हमें डरा सकते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं आप एक नहीं 100 FIR करिए। हम जिस ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और हमारे हौसले अब और भी बुलंद हुए हैं और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो सोचते हैं कि FIR से ये हमें रोक देंगे कि जो गुरु उन्होंने वादा किया था चुनाव के अंदर कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन लोगों को, उन दोषियों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजेंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की थी, लेकिन उन लोगों की पुलिस ऑफिसर्स की प्रमोशन कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, उसी व्यक्ति के आरोप है जो अमृतसर के विधायक है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के विधायक है और जिनकी रिपोर्ट के बिना पे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था। और दूसरा हमारी मांग है कि जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला उसके पर उनको माफी मांगनी चाहिए। बग्गा जी, दिल्ली बीजेपी जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले को आगे ले जाने वाली है, क्या कुछ आप दिल्ली बीजेपी की तरफ से इसमें क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, रात को 1 बजे क्योंकि मैं भी आपके सामने आया था तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व है उससे बात होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस लड़ाई को यहाँ नहीं रोकेंगे, अब और भी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, निश्चित रूप से जारी रहेगी और अरविंद केजरीवाल जो भी कर सकते हैं कर ले, उनको मैं चुनौती देता हूँ। हमने देखा कि इसमें 3 राज्यों की पुलिस जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी, तो क्या आपको कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से कॉल आया या फिर अमित शाह जी से आपकी कुछ बातचीत हुई, क्या जो हायर अथॉरिटीज है उनसे कुछ संपर्क हुआ, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? जो मेरा फोन है अभी तक पंजाब पुलिस के पास है, मेरे पास ना किसी का नंबर है किसी का मेरे पास नंबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ने पूरा साथ दिया जिसके कारण ये जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और सभी मीडिया कर्मियों ने, जिसके कारण कल का ये जो भी